हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जनरल रिव्यूज ऑफिशियल एंड दिस इज़ अमित सिंह। सो कैसे हो दोस्तों आप सब लोगों? सर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, यार थंबनेल में आपने चेक ही कर लिया होगा कि मैं ओजिवा का प्रोडक्ट लाया हूँ। बट उससे पहले एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, दे हैव लाइक कोई सब्सक्राइब नहीं किया, बस देख रहे हैं। यार बस छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा मोटिवेशन एक बना रहेगा कि ठीक है यार आपको पसंद आ रहा है तो मुझे भी ऐसे और प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लाने चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ अपनी। तो क्या ना कि ओजिवा के काफ़ी प्रोडक्ट चल रहे हैं, बहुत कुछ कैप्सूल्स हैं, ओजिवा का आपका प्रोटीन है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो वो धीरे धीरे मैं आपके सामने लाऊंगा, जैसे जैसे मैं लेता जाऊंगा, यूज़ करता जाऊंगा, वो चीज़ें आपके लिए लाता रहूंगा। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ओजिवा का हेयर विटामिन का, तो हेयर विटामिन यार एक्चुअली उसमें कहते हैं कि DHT ब्लॉकर है और ये प्लांट बेस्ड तो है ही, सबको पता है। सो मैंने सोचा कि एक बार इसको यूज़ किया जाए और फिर उसका रिव्यूज़ आपको लाया जाए ऑथेंटिक। मतलब यार अगर आपको सही सही बात बताऊं तो ये स्पॉन्सरिंग वीडियो तो है नहीं और होगी भी नहीं, बिकॉज अभी आई एम जस्ट इतने मेरे फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं है कि मुझे कोई स्पॉन्सर करेगा। सो इसलिए जो भी रिव्यूज़ होंगे ये आपके ऑथेंटिक होंगे, और आगे भी कभी ऐसा टाइम आएगा जब भी ग्रोथ भी होगी तो उसके बाद भी रिव्यूज़ ऑथेंटिक ही आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये फैक्ट बताता हूँ, बालों में मतलब क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम आती है DHT ब्लॉकर की वजह से आती है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि DHT ब्लॉकर क्या होता है और कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई विल टेल यू, सो जस्ट बी विद द वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ओजिवा हेयर विटामिन्स विद DHT ब्लॉकर्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड हैज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि हेल्प करता है हेयर फॉलिकल्स या कहें छोटे छोटे सर में जो छेद होते हैं उनको खोलने में, और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे सर को ड्राई होने से भी बचाता है। दोस्तों पहले जान लेते हैं DHT होता है, लाइक होता तो होता क्या है। तो दोस्तों DHT मीन्स होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। एक रिसर्च में पाया गया है कि मर्दों के शरीर में बनने वाले डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT चेहरे पर आने वाले बालों यानी दाढ़ी मूछों को कंट्रोल करता है। DHT पुरुषों में पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक तरह से ये टेस्टोस्टेरोन का ही एडवांस रूप है। किसी इंसान में जितना ज़्यादा DHT मौजूद होगा पूरे शरीर में बाल उतने ही ज़्यादा होंगे, लेकिन ज़्यादा DHT लेवल का मतलब ये भी है कि हेयर फॉल भी ज़्यादा होगा। DHT की आवश्यकता से अधिक उत्पादन को रोकने के लिए DHT ब्लॉकर्स का प्रयोग करना चाहिए। ये DHT ब्लॉकर्स 5-अल्फा रिडक्टेड एंजाइम को ब्लॉक करने में मदद करते हैं। इसकी वजह से ये हेयर लॉस की समस्या को बढ़ाने से रोकने में भी प्रभावी तरीके से मदद कर पाते हैं। ओजिवा हेयर विटामिन्स आर लैक्टोज फ्री है, सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, नॉन GMO, एंड इट डजंट हैव एनी आर्टिफिशियल स्वेटनर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें ट्रांस फैट है। एंड ओजिवा अगर मैं कहूँ तो अच्छा DHT ब्लॉकर सब्सटेंस है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये कम्प्लीटली प्लांट्स बेस्ड है एंड कोई भी केमिकल ऐसा नहीं मिला हुआ है जो हमें नुकसान दे। दोस्तों इस प्रोडक्ट को चूज़ करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये है कि ये एक वेजिटेरियन सॉल्यूशन है फॉर हेयर फॉल प्रॉब्लम का। दूसरा दोस्तों इसमें रहेगा, ये हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ाता है एंड इसमें विटामिन ACDEB कॉम्प्लेक्स वगैरह है, आयरन भी है, जिंक भी है और भी कई चीज़ें हैं, ओमेगा 3 भी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में हैं, सो दैट ये काफ़ी जल्दी फ़ायदा भी करता है। दोस्तों ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को सुखड़ने से बचाता है बिकॉज ये एक DHT ब्लॉकर है। जैसा कि इसमें स्टिंग नेसल है, पम्पकिन सीड है, बीटा सिस्टरॉल है एंड पाइन बार्क भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाती हैं और ड्राई होने से बचाती हैं, और जो परत होती है ना बालों पर जमने से वो भी काफ़ी कुछ इसमें हेल्प करती है। इसको दोस्तों मैं सुपर अमेजिंग प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों कहता हूँ। सबसे पहले इसमें जो हेयर विटामिन्स होते हैं ये हमारे इम्प्रूव करते हैं हेयर की स्ट्रेंथ को, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड ग्रोथ को तो ऑब्वियसली बढ़ाते ही बढ़ाते हैं विटामिन। सेकेंड चीज़ इसमें DHT जो ब्लॉकर है, जैसे मैंने DHT ब्लॉकर को अभी आपके बारे में बताया कि DHT ब्लॉकर क्या होता है। सो ये क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है फॉलिकल को श्रिंकिंग, मतलब सिकुड़ने से, एंड जो हेयर फॉल होता है उसको कम करता है। द थर्ड थिंग इसमें मिली हुई है ओमेगा 3, जो कि हमें प्रोवाइड कराती है नॉरिशमेंट, जिसे हम कहते हैं पोषण,
एंड जो स्कैल्प होती है उसको ड्राई हाइड्रेट होने से बचाती है। दोस्तों इसमें अगर आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊं तो काफ़ी लाइक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, कुछ ऐसा केमिकल नहीं मिला हुआ है जो कभी नुकसान दे आपको। तो इसमें DST ब्लॉकर ब्लेंड है, पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट है, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है एंड स्टनिंग नेजल एक्सट्रैक्ट है। इसमें हेयर विटामिन ब्लेंड भी है, ओमेगा 3 पाउडर जैसा कि अभी मैंने बताया एंड ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल भी है। इसको लेने का तरीका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट सबसे बेटर रहेगा कि आपको एक बार में 2 कैप्सूल लेने हैं आफ्टर लंच और डिनर, जैसा भी आपको ठीक लगता है। एक दिन में आपको 2 कैप्सूल कंज्यूम करने हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सारा कुछ इसमें प्लांट बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग नहीं है अगर आप 18 ईयर से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी एक आप एक्सपर्ट से अगर आप बात करके लेंगे सो दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो दोस्तों बताना ये रिव्यू आपको कैसा लगा एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट मी बिलो, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।